हेलो दोस्तों, मैं हूं एमएस बाजवा और मैं आपको दिखाने वाला हूं आज सेलेरियो का ZXI मॉडल। तो सबसे पहले हम इसकी लाइट्स देखते हैं। तो इसके अंदर आपको हैलोजन लाइट्स मिलेंगी, इंडिकेटर भी आपको हैलोजन के अंदर ही मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका फ्रंट फेस, तो इसके अंदर आपको क्रोम कलर की एक लाइन मिल जाएगी जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो नीचे आपको फॉग लैंप के लिए हाउसिंग मिल जाएगी, इसके अंदर आपको फॉग लैंप नहीं मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। तो साइड में आप देख सकते हो ORVM के ऊपर ही आपको इंडिकेटर वगैरह मिल जाएगा जो कि देखने में बहुत ही आपको बढ़िया दिखेगा। तो उसके बाद इसके टायर प्रोफाइल की बात करेंगे। तो जो टायर प्रोफाइल आपको इसके अंदर मिलेगा वो मिलेगा आपको 14 इंचज़ का। और इसके सेक्शन की बात करेंगे तो आपको 165/70 14 इंच का आपको टायर जो मिल जाएगा। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो इसका साइड से, तो पीछे देखेंगे तो आपको इसके अंदर वाइपर मिल जाएगा। उसके बाद ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप इसके अंदर मिल जाएगा। तो उसके बाद डिफोगर भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो नीचे आप देख सकते हो इसका जो डोर ओपनिंग का बटन मिल जाएगा। तो जो इसके लाइट्स मिलेंगे आपको वो हैलोजन के अंदर आपको पूरा सेटअप मिलेगा। और नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे और दो आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो इसका साइड लुक। तो इसका जो आपको व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा आपको 2435 mm। तो साइड से इसका लुक आप देख सकते हो। तो कईयों को इसका साइड लुक पसंद है, कईयों को इसका साइड लुक नहीं पसंद आता, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। उसके बाद इसका साइड पर हम देखेंगे फ्यूल फिलिंग कैप। तो इसकी कैपेसिटी आपको मिलेगी 32 लीटर। तो इसकी एवरेज भी आपको अच्छी मिल जाएगी, तो वो मिलेगी आपको AI के अकॉर्डिंग आपको 25.24। तो आराम से आपको 25-26 तक भी ये आराम से हाईवे पे निकाल देगी। तो अभी हम चलते हैं इसके फ्रंट के साइड। तो ये अभी हमारा पूरा हो चुका है, पूरा इसका 360 व्यू। तो उसके बाद इसके डायमेंशन की बात करते हैं। तो इसकी जो आपको लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 3695 mm, और विड्थ देखें तो विड्थ आपको जो मिलेगी 1655 mm, और हाइट मिलेगी आपको 1555 mm। तो अभी हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो इंटीरियर में आप डोर देखते हैं, तो डोर आपको ऑल ब्लैक थीम में मिलेगा, और डोर हैंडल आपको सिल्वर में मिलेगा, और ब्लैक कलर में आपको हैंडल मिलेगा। और नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिलेगी जिसके अंदर आपको स्पीकर मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा एक। तो इसकी सीट में कोई भी आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, रिक्लाइन एंगल को आप सेट कर सकते हो। उसके बाद इसका आपको हेडरेस्ट जो है वो भी फिक्स्ड मिलेगा, और ये लुक है इसका साइड से। तो अभी हम चलते हैं अंदर, अंदर से आपको इसको दिखाते हैं। तो अंदर में आप देख सकते हो सबसे पहले आपको स्टेयरिंग दिखेगा। स्टेयरिंग के ऊपर आपको म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा इसका। तो राउंड शेप में आपको इसका स्टेयरिंग मिलेगा, नीचे आपको सिल्वर गार्निश मिल जाएगी। तो इसकी क्वालिटी भी आपको बढ़िया मिल जाएगी। उसके बाद आपको इसके अंदर 2D का म्यूज़िक सिस्टम मिल जाएगा, और नीचे आपको पावर विंडो के स्विचेस मिल जाएंगे, बीच में आपको 1000 बटन मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर AC के मैनुअल कंट्रोल मिल जाएंगे, ये आपको गियर नॉब मिलेगा, 5-स्पीड मैनुअल गियर। उसके बाद यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक और रेयर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो इसके AC वेंट्स के सराउंड आपको सिल्वर गार्निश मिल जाएगी, और इसकी आपको प्लास्टिक क्वालिटी भी डिसेंट मिल जाएगी। उसके बाद इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो आपको इसके अंदर स्पीडोमीटर मिल जाएगा, इसमें आपको कोई भी टैकोमीटर नहीं मिलेगा। और साइड पर आप देखोगे तो आपको ORVMs के कंट्रोल मिल जाएंगे, और नीचे आपको हेडलाइट के लेवलर मिल जाएगा। और आप देख सकते हो इसके सनवाइज़र में आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड इसका जो IRVM है वो आपको मैनुअल मिलेगा। ऊपर आपको यहाँ पे कैबिन लाइट मिल जाएगी जिसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलेगा। और दूसरे सनवाइज़र में बात करें तो आपको वैनिटी मिरर जो मिल जाएगा, दो एयरबैग आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, और ग्लव बॉक्स की बात करें तो आपको इसके अंदर भी ठीक ठाक स्पेस जो है वो मिल जाएगी। और आप देख सकते हो कुछ ये लुक है इसके डैशबोर्ड का जो कि देखने में बढ़िया लग रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेट्रोल कैप खोलने के लिए और यहाँ पे बोनेट खोलने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ABC
पैडल मिल जाएंगे और साथ में फुट रेस्ट मिलेगा। और रेयर की बात करें तो रेयर विंडो आपको इस तरह की मिलेगी, इसके अंदर भी आपको सिल्वर हैंडल मिलेगा, वैसे ही आपको पूरा ऑल ब्लैक मिलेगा। नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी जिसके अंदर आपको स्पीकर भी मिल जाएगा। और ये लुक आप देख सकते हो इसकी। सीट की जो विड्थ है वो भी अच्छी है और आपको फिक्स्ड इसके हेडरेस्ट मिलेंगे। उसके बाद इसकी सीट्स वगैरह भी आपको काफ़ी कुशनिंग मिल जाएगी। उसके बाद इसकी जो इसके अंदर स्पेस है वो भी बढ़िया है, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी आपको स्पेस में दिक्कत नहीं आएगी। और पीछे आपको रेयर विंडो के यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएंगे, इसके विंडोज़ में आपको कंट्रोल ना मिल के सेंटर में मिलते हैं, ऊपर आपको यहाँ पे हैंडल वगैरह मिल जाएंगे। और आप देख सकते हो पीछे से इसकी लुक, तो स्पेस में इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। नीरो मोर हेडरूम आपको यहाँ पे बढ़िया मिल जाएगा, बीच में आपको थोड़ा सा हम्प इसमें मिल जाएगा। तो सीट की बात करें तो सीट भी आपको अच्छी खासी इसकी मिल जाएगी। तो ये थी इसका पीछे की लुक। तो ऊपर आप देख सकते हो इसमें आपको एंटीना जो है वो इस तरह का मिलता है। तो उसके बाद तो अभी हम देखते हैं इसका बूट। तो बूट में आपको जो कैपेसिटी मिलेगी इसकी वो मिलेगी 313 लीटर, तो आपके बैग्स वगैरह आराम से इसमें फ़िट हो जाएंगे। तो ये CNG मॉडल नहीं है, तो इसलिए आपको इसका बूट जो है पूरा यूजेबल मिल जाएगा। ऊपर आपको पार्सल ट्रे भी इसके अंदर मिल जाएगी, तो किसी भी तरह की आपको स्पेस में दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम इसका इंजन देखते हैं। तो इंजन आपको मिलेगा K10C इंजन। तो इसकी जो पावर मिलेगी आपको 998 cc। तो पावर की बात करें तो इसकी 65.7 BHP मिलेगी आपको 5500 RPM के ऊपर। तो टॉर्क देखें तो इसकी मिलेगी 89 Nm 3500 RPM के ऊपर। तो ये 3 सिलेंडर इंजन है जिसकी परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिल जाएगी। तो इसके प्राइस की बात करें तो ZXI मॉडल आपको इसका एक्सशोरूम प्राइस पड़ेगा 5,93,000 रुपये। तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको डेराबस्सी के अंदर पड़ेगा 6,66,608 रुपये। तो इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो आपको ZXI मॉडल मिल जाता है पेट्रोल के अंदर। तो किसी भी तरह की आपको एक्सेसरी लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोग लैंप आपको लगवाने हो तो आप कंपनी से लगवा सकते हो, बाकी हर तरह के फीचर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो गाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।